नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा हमने आपको पता है कि हमने सीरीज शुरू की हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें मैं आपको सारे चार्ट पैटर्न और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की हमारी ये दूसरी वीडियो है। जैसा हमने पहली वीडियो बनाई थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, जैसा कि आप उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है लोअर हाई, ठीक है, ये इधर से लोअर हाई बनते हैं और इधर से हायर हाई बनते हैं, और सेम जो है मतलब एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आती है और एक ट्रेंड लाइन को हम नीचे से हायर हाई मिलाते हुए ट्रेंड लाइन लेकर चले जाते हैं, उसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं। वो चीज़ मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है मतलब ये वीडियो देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। तो आज जो हमारी वीडियो आ रही है वो वीडियो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर। ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जाऊंगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो चलिए आइए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के जो है कुछ पहलू जान लेते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ऊपर से एक जो ये लेवल है, ये लेवल सेम होता है। मतलब सेम मीन्स कहने का मतलब 1-2 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस भी हो सकता है। और जो नीचे से एक ये हायर हाई फॉर्म की जो है हायर हाई फॉर्म होता है, और इसका हम जो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए आइए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, एक ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये जिस तरह से देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है ये जो है सेम ट्रेंड में मतलब जो है ज्यादातर इसके ब्रेकआउट होते हैं ऊपर से। जैसा आप ये सेकंड पिक्चर देख रहे हैं, ऊपर से देखिए इसके लेवल सेम होते हैं। मीन्स हम एक ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे से ये एक हायर हाई के फॉर्म में जो है, नीचे से ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है वो एक हायर हाई के फॉर्म में स्टॉक जो है बिहेव करता है। हम वो ट्रेंड लाइन इस तरह से जो है ड्रॉ कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट पिक्चर जो है थोड़ी हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, इस रेंज में आने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने एक ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इस ट्रेंड इसके अंदर आने के बाद क्या होता है, ये कंसोलिडेशन जोन में जो है आ जाता है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये राइजन लो ट्रेंड लाइन है, ये जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, और ये नीचे से एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाता है, मतलब एक छोटे से एरिया में पॉज हो जाता है, और ऊपर जो है एक ये फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का नाम देते हैं। इसका जो है टारगेट कितना हमको रखना होता है, इसका हमको स्टॉप लॉस किस तरह से रखना होता है, तो वो चीजें हम जो है बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें जो है कैंडलस्टिक जब पैटर्न फॉर्म होती है तो ये हायर लो, ये देखिए ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहां पर हायर हाई नहीं बन रहा है, यहां पर जो है अब सेम लेवल पर जो है ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, बट यहां से जो है हायर हाई बन रहा है। और ये जो ब्रेकआउट जो होता है, ये जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट में जो है कैंडल का जो साइज है वो कैंडल का साइज भी बड़ी होनी चाहिए, और जो है वॉल्यूम इसमें हमको देखना होता है। तो चलिए आइए इसको मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ, चार्ट पर लेके चलता हूँ आपको जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है, ये देखिए ये है HDFC बैंक का चार्ट, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, ये देखिए ये ऊपर से हायर हाई हायर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट हायर हाई बनने बंद हो गए, हायर हाई नहीं बन रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है फ्लैट हो चुका है, सेम रेंज, ठीक है। जैसे ये ऊपर की रेंज है 1078 की, तो मतलब ये 1078 टू 1085 तक, मतलब 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। और हमने क्या करना है, जो ये हायर लो हायर हाई जो बन रहे हैं, इस तरह से हमने, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके रखी हुई है, इस तरह से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर जो आपको ये रेजिस्टेंस लाइन ये जो दिख रही है, ऊपर जाके ये प्राइस जो है ये फ्लैट हो जाता है। तो जहां पर भी आपको कहीं इस तरह का सिनेरियो दिखे, तो आप जो है मतलब इसको जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्म में जो है इसको ड्रॉ कीजिए। और देखिए इसका जो है सबसे जो ब्रेकआउट पे लोगों को जो शक होता है कि मतलब रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट है, तो मैं वो चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए जो भी यहां पर ब्रेकआउट होगा, हमने देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है, हमने पहले तो इस कंसोलिडेशन जोन में जो है बिल्कुल हमने ट्रेड नहीं करना है। हमने इस जब ये इस कंसोलिडेशन जोन से जब ये बाहर निकलता है, तब हमने इसमें जो है ट्रेड करना होता है। और उसमें हमारा टारगेट क्या होता है, टारगेट हमारा यहां जहां से ये चालू हुआ है, जहां से हमने ट्रेंड लाइन चालू की है और ऊपर का
ये जो एरिया हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो ये हमारा टारगेट होता है, ठीक है। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस देखिए इसमें दो तरह के हो सकते हैं, या तो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी बता देता हूं, और जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए भी बता देता हूं स्टॉप लॉस किस तरह से आपने रखना है। देखिए स्टॉप लॉस जो कैंडल आपका ब्रेकआउट कर रही है, जो जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो मतलब अच्छा जो है पेशेंस रख सकते हैं, और जो है मतलब एसएल बड़ा रख सकते हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस, जो मतलब ये लो बना हुआ है लास्ट, ठीक है, ये जो स्विंग लो बना हुआ है इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके पास जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बता रहा था, तो ब्रेकआउट में देखिए ये जो कैंडल का जो आप साइज देख रहे हैं, ठीक है, इस कैंडल का साइज देखिए, ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, आप यहां पर वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। यहां पर आप ये वॉल्यूम देखिए, लास्ट नियर अबाउट आप 2 या 3 महीने के वॉल्यूम से देखेंगे, ये वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। तो मींस कहने का मतलब ये ब्रेकआउट सही है और हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए हमारा इसमें टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट देखिए मैं आपको यहां पर, तो ये देखिए यहां पर जो टोटल निकल कर आ रहा है वो है नियर अबाउट 135 रुपीज का। तो ये 135 रुपीज का ही हमारा इस यहां से निकलने के बाद, मीन्स 1080 जो यहां पर 1080 का लेवल इसने क्रॉस किया है, तो यहां के बाद हमारा 135 रुपए टारगेट होगा, जैसा कि हमने ये यहां पर देखा। हमने टारगेट यहां से निर्धारित करना होता है, यहां से डिसाइड करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो है एचडीएफसी बैंक ने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया। तो ये देखिए ये जो टारगेट निकल के आया, इसने जो है टारगेट जो है यहां पर अचीव कर लिया, ये देखिए मीन्स यहां पर टारगेट अचीव हुआ। तो मतलब इसमें जो है इसी तरह से टारगेट रखा जाता है कि आप जो है जहां से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है और जहां से आपने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है, उसके बीच का जितना भी गैप है, ये आप मेरा माउस देखिए, कर्सर देखिए, मैं जहां पर कर रहा हूं उसके बीच का ये जितना भी प्राइस का गैप है, आप इसको जो है एज ए टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। चलिए आइए हम एक दूसरा ट्रेड भी देख लेते हैं। दूसरा ये जो ट्रेड है ये हेक्सापेयर का है। तो ये देखिए प्राइस ने जो है मतलब एक कंसोलिडेशन जोन में जो है कंटिन्यू जो है ट्रेड करना चालू कर दिया है। यहां पर आप देखिए यहां पर प्राइस जो है ऊपर गया है 374 रुपए तक, फिर इसने एक हायर हाई बनाया, फिर प्राइस 375 रुपए तक गया है, फिर इसने एक हायर हाई बनाया है, फिर प्राइस जो है 374 रुपए तक गया है, फिर इसने एक हायर हाई बनाया है। तो देखिए हमने क्या करना है, हमने नीचे से ये सारे हायर हाई को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लेवल अपने को दिख रहा है 374 और 375 रुपए का, यहां पर भी हमने जो है एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फाइनली हमने ट्रेड कहां पर लेना है, ट्रेड हमने ये देखिए, जैसा कि देखिए ट्रेड लेने के वक्त जो है मतलब आपने कैंडल का साइज और वॉल्यूम का साइज का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो मेन चीजें होती हैं पैटर्न के ब्रेकआउट में। यहां पर आप कैंडल का साइज देखिए, कैंडल का साइज कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप वॉल्यूम देखिए, ये लास्ट नियर अबाउट 1 महीने की कैंडलों से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पर आपने जो है कैंडल का साइज देखना है और जो है वॉल्यूम का साइज देखना है कि इन दोनों का साइज कितना है। चलिए आइए हम यहां पर देखते हैं कि हमारा यहां पर टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यहां 312 रुपये हमारा नीचे ट्रेंड लाइन पे प्राइस था और रेजिस्टेंस पे प्राइस था हमारा 373 रुपये, तो हमारा 29.59 मीन्स 30 रुपीज का हमारा जो है टारगेट था। तो आइए देखते हैं हमारा ये टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये 30 रुपीज का प्राइस। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 30 रुपीज का प्राइस हमारा यहाँ पर अचीव हो गया, मतलब 435 रुपीज पर अचीव हो गया। इसमें देखिए एक कैंडल जो है इसका ब्रेकआउट का है और दूसरे कैंडल में ही इसने 445 का जो है हाई लगा दिया है। तो मीन्स बहुत आसानी से और एक दिन के अंदर ही टारगेट जो है हमारा अचीव हो गया है। तो देखिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से काम करते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न होता है और एक ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया। ये देखिए जैसे आपको ये मान लीजिए अगर अप ट्रेंड में मिलता है, ये सबसे ज्यादा कारगर जो है अप ट्रेंड में होता है। जैसे अप ट्रेंड में ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में होने के बाद जब प्राइस पॉज हो जाता है और वहां पर ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, तो 99% जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये जो है ब्रेकआउट अप साइड ही करेगा। देखिए ब्रेकआउट ये जो है ऊपर की साइड भी कर सकता है और नीचे की साइड भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये ब्रेकआउट सिर्फ ऊपर की तरफ ही देगा, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी दे सकता है और ये ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ये नीचे की तरफ भी दे सकता है ब्रेकआउट। बट उसमें क्या हमारे क्या करना है, मैंने जैसा आपको बता दिया कि ये या तो ब्रेकआउट की कैंडल का आप जो है लो जो है स्टॉप लॉस रख दीजिए, ठीक है, या तो आप जो लास्ट स्विंग लो जो बना है उसका जो है
स्टॉप लॉस रख दीजिए। आपने जो है मतलब जब इसने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, सेम जो है आपने इसको ऑपोजिट साइड जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, इसको अपने चार्ट में जाइए ढूंढिए, सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।